हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज से हम इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है टेंस। दोस्तों, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी एक समस्या बना हुआ है। जहाँ भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, वहाँ स्टूडेंट इसे समझने की बजाय रट्टा मारने लग जाते हैं। लेकिन उसकी भी एक वजह है जी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता और हम क्वेश्चन नहीं करते। हम आपको इंग्लिश बेसिक तरीके से सिखाते हुए एक एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखें, और वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि इंग्लिश तो एक्चुअल में काफ़ी इजी है और हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले अपन टेंस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। टेंस क्या है? टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। मीन्स टेंस हमें सिर्फ टाइम के बारे में ही नहीं बताता है, बल्कि स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में भी बताता है। डोंट गेट कन्फ्यूज माई फ्रेंड्स, यहाँ ज़रा सा ध्यान देना कि टेंस और टाइम अलग अलग चीज़ है। टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि टाइम एक आपका नेचुरल कॉन्सेप्ट है। मीन्स बोथ आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ कमिंग टुमारो एंड सीता इज़ गोइंग टू डेली टुमारो। दोनों सेंटेंस आपके फ्यूचर एक्शंस को बता रहे हैं, पर इनका जो ट्रांसलेशन है वो अपना प्रेजेंट टेंस में किया गया है। दोस्तों, अब अपन टेंस के टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको कि वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस, जिसको कि भूतकाल कहा जाता है। और तीसरा जो टेंस होता है वो है भविष्यकाल। सो नाउ डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में आपके तीन टर्म्स आती है। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसको कि कर्ता कहा जाता है। दूसरा होता है वर्ब, जिसको कि क्रिया कहा जाता है। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, जिसको कि कर्म कहा जाता है। दोस्तों, इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है कि राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इसमें राम आपको हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है। फिर आती है प्लेइंग, जो कि वर्ब होती है आपकी, कि कौन सा काम सेंटेंस में किया जा रहा है। तो वो क्या है? खेलना, जो कि राम के द्वारा किया गया है। तीसरा है कि राम क्या खेल रहा है, वो है फुटबॉल। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। इस तरह से एक सेंटेंस में अपन ने आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों एक सेंटेंस में अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों अपन टाइप्स ऑफ पर्सन। टाइप्स ऑफ पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों, वो होता है आई और वी। सेकंड पर्सन में होता है यू और दाउ। थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, दे, माय फ्रेंड्स, एटसेट्रा। ये तीन तरीके के पर्सन होते हैं। जब अपन सेंटेंस फ्रेम करना सीखेंगे तो ये डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी यूज होगी, उस टाइम पर ये पर्सन काम में आएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, वचन, जिसको कि नंबर कहा जाता है। दोस्तों, जो नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर नंबर की अगर अपन बात करें तो उसमें आता है आपका आई, ही, शी, इट, यू या ब्रदर या किसी भी तरीके कोई और रिलेशन। अगर सिंगुलर की अपन बात करें तो आई का वी हो जाता है, ही, शी, इट का दे हो जाता है, यू का यू हो जाता है और ब्रदर का ब्रदर्स हो जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, कि जो आई है वो सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, जैसा कि लास्ट स्लाइड में अपन ने देखा। इसी तरह जो दे है वो थर्ड पर्सन ने अपन ने देखा था, पर सिंगुलर नंबर नहीं है, ठीक है। सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? दैट इज़ ही, शी, इट, नेम, माई फ्रेंड या और कोई रिलेशन, माई ब्रदर हो गया आपका, हिज सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, हिज ब्रदर हो गया, माई फादर हो गया, एटसेट्रा। इस तरीके के जो भी होते हैं वो आपके सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन की कैटेगरीज में आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से अपन प्रेजेंट टेंस चालू करने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इंटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो आ रहा है वह खेलता है, वह खेलता है, दैट मीन्स ही प्लेज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वह खेल रहा है, दैट मीन्स ही इज प्लेइंग। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि वह खेल चुका है, दैट मीन्स ही हैज प्लेड। और फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका मतलब कि वह 3 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स।
ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको एक बहुत बेसिक रूल बता देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें जिसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है से जो आपका सेंटेंस है वो ख़त्म होता है। कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे करके आपका सेंटेंस होगा तो आपको पता लग जाएगा कि जो भी एक्टिविटी है वो एट प्रेजेंट में चल रही है, मतलब एक्टिविटी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में खेल चुका है, मतलब कि वो एक्टिविटी जो है खेलने की वो हो चुकी है, दैट एक्टिविटी हैज़ बीन फिनिश्ड, ठीक है। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जिसमें कि सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी, चुके हैं करके सेंटेंस एंड हो सकता है आपका। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टेंसेज, किस किस टेंसेज का, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि इसमें ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो अभी भी इस काम को कर रहा है और कितने टाइम से कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि कितने टाइम से सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है वो चीज़ उसमें मेंशन होती है। ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रेजेंट टेंस का। दोस्तों बात करें अपन सेंटेंसेस की, कि हर टेंस के चार तरीके के सेंटेंस होता है। अगर अपन बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो उसके चार सेंटेंसेस होंगे, सिंपल सेंटेंस जिसको कि अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस और चौथा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रयुक्त होता है। इसका मतलब कि ये एक आपका स्ट्रक्चर हो गया बेसिक शब्द बेसिक की, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसके सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, वो है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें सबसे जो नोट करने वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आज अपन इस स्लाइड में तीनों डिस्कस करेंगे। देखो पहला क्या है कि सिंपल सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है, ध्यान देना कि जब सब्जेक्ट, अगर आपने ये वाली स्लाइड ढंग से समझ ली तो समझ लेना कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से समझ लिया, कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ ऐसे ही ये जोड़ते हैं, ये क्लियर हो गई बात। उसके बाद जब अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर आ गया, वो भले ही कोई सा भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकेंड पर्सन हुआ या थर्ड पर्सन हुआ, ध्यान देना कि जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर आ गया, वो भले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो वर्ब के साथ एस या आई एस नहीं जोड़ा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने दी जाती है, उसके साथ एस या आई एस अपन नहीं जोड़ते हैं अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो, और अगर सिंगुलर आ गया तो एस या आई एस जोड़ दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि एस जोड़ेंगे या आई एस जोड़ेंगे, तो उसका आंसर आपको तीसरे नंबर पॉइंट में मिल जाएगा। वो क्या है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर आपका एस एस ओ जे एक्स सी एच एस एच है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ई एस जोड़ते हैं और अन्य स्थिति में एस जोड़ा जाता है। कुछ एक एग्जांपल्स आगे की स्लाइड में जो अपन समझेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है आई गो। आई गो क्यों लिखा अपन ने, पहली बात तो आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए अपन ने उसके साथ कोई भी एस या एस नहीं जोड़ा है उसके, और जब अपन ने इसको सिंगुलर में बदला तो वो हो गया ही गोज। और ई एस क्यों लगाया है, क्योंकि वर्ब के एंड का जो अल्फ़ाबेट है वो ओ है, जो जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद आई किसका, शी किसेज हो जाता है। वी सर्च का, ही सर्चेज हो जाता है। दे फैच का, शी फैचेज हो जाता है। वी क्लैश का, ही क्लैशेज हो जाता है। और ई एस क्यों लगा रहे हैं अपन यहाँ सब में, क्योंकि वर्ब के एंड में वो सब अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं जिसके बाद ई एस लगाया जाता है, जैसे कि अपन ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। और आई किसका, ही क्यूजेज हो जाता है। उसके बाद अपन कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें कि वर्ब के साथ एस लगता है, ई एस नहीं लगता है, जैसे कि वी प्ले का, ही प्लेज हो जाता है। आई प्रे का, ही प्रेज हो जाता है। यू से का, ही सेज हो जाता है। और आई पे का, ही पेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और देखनी है, वो है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है, ध्यान देना कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और इससे पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, या फिर वोवल नहीं है, इसको आप दोनों तरीके समझ सकते हो, कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट है या वोवल नहीं है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाई को आई ई एस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि क्या होता है कि दे फ्लाई काइट्स हुआ, इसको जब आप सिंगुलर में बदलेंगे तो फ्लाई वाई है और वाई से पहले का अल्फ़ाबेट क्या है, एल, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो आप फ्लाई का क्या कर दोगे, वाई को हटा करके आई ई एस लगा दोगे। ऐसे ही आई ट्राई का सीता ट्राइज हो जाता है। गर्ल्स क्राई का सुमन क्राइज हो जाता है। आई वेरीफाई का शी वेरीफाइज हो जाता है।
अब यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं आप लोगों के लिए कि इन एग्जांपल्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसके आप जो जो रूल्स हैं आप इन सभी एग्जांपल्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वह लिखता है, वह मतलब आपका सिंगुलर हो गया, आप ही की जगह शी भी लिख सकते हैं क्योंकि सेंटेंस में जेंडर आपका मेंशन नहीं है, ठीक है। तो वह लिखता है, पर लिखता है अब इसने बोल दिया, देखना एंड में ता है, ती है, तह, ता से मतलब कि वो आपका मेल हो गया, तो आपने वहाँ पर ही लगाया, शी नहीं लगाया, ठीक है, दैट इज़ ही राइट्स। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ट्रेन यहाँ आती है, हेयर कम्स दी ट्रेन। वह सदा सच बोलता है, अब ता है आ गया मतलब ही हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, उसका भी क्या हुआ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों हो गया दोस्तों, क्योंकि सेंटेंस में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं है और किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो वह सदा सच बोलता है का क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज स्पीक्स, स्पीक्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, और यहाँ पर अपन ने एस या ई एस लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मैं रोता हूँ, आई वीप। उसके बाद रमेश गोज फॉर अ वॉक एट 6 AM, रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है। मेरे पिताजी साय 7 बजे घर आते हैं, दैट इज़ माई फादर कम्स होम एट 7 PM। हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है, अवर कॉलेज ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपन इन सारे वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, आगे के सभी वीडियो इस तरह से आते रहेंगे, और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें सभी के साथ में, जिससे कि अपने यहाँ की लिटरेसी रेट बढ़ जाए और अपने यहाँ इंग्लिश बोलने वाले बढ़ जाए। और उसके अलावा एक और ख़ास बात दोस्तों, कि अपनी एक वेबसाइट है www.politeenglish.com, जहाँ पर आप एक बार आप ज़रूर से एक बार आप इस वेबसाइट को ज़रूर से विज़िट करें, तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो भी कोई और चीज़ चाहिए वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।